भारत में जब भी कोई संकट आता है या कोई घटना होती है तो उसके रिलेटेड फेक न्यूज काफी वायरल होने लगती है। पिछले कुछ सालों से मीडिया ने भी फेक न्यूज का फैक्ट चेक करना छोड़ दिया है। भारत और चाइना सीमा विवाद को लेकर मीडिया द्वारा भी कुछ न्यूज फैलाई गई, जिसका जब फैक्ट चेक हुआ वह खबर झूठी पाई गई। आज हम कुछ ऐसे ही फेक न्यूज आपको बताते हैं जो मीडिया और बीजेपी द्वारा फैलाई जा रही थी। 15 जून को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC पर भारतीय और चीनी सैनिकों की हिंसक झड़प में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए, पर चाइना के कितने जवान शहीद हुए इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी साझा नहीं हुई है। 17 जून को टाइम्स नाउ चैनल पर एक और आंकड़ा ब्रेकिंग न्यूज बताकर चलाया गया कि चीन ने लद्दाख में हुई झड़प में अपने 30 सैनिकों को मारे जाने की बात स्वीकार की है। इस खबर के पीछे ग्लोबल टाइम्स नाम की चीनी मीडिया संस्थान का हवाला दिया गया, बाद में ये ट्वीट डिलीट कर दिया गया। टाइम्स नाउ ने इस दावे पर एक प्रोग्राम भी चलाया जिसमें एंकर राहुल शिवशंकर और नविका कुमार ने मारे गए 30 कथित सैनिकों के नाम बताए। Hold your thoughts. We are getting a fresh report from the Global Times. It's the Chinese mouthpiece, Shinjoy Chaudhary, sending us that update. And China has finally accepted that they do have a bloody nose. 30 brave Chinese soldiers killed while defending Chinese territory. That's the latest report that's come out of China. Chinese and Indian troops engaged in serious physical clashes all through the night of 15 June at Galwan Valley. Indian action, the names of the Chinese soldiers martyred are and Major Captain also First Lieutenant. The names are given here in this list. And this is sensational. Alt News ने जब इसका fact चेक किया उसमें पता चला कि ये न्यूज जो टाइम्स नाउ द्वारा शेयर की जा रही थी असल में एक व्हाट्सएप मैसेज था। ऐसे ही भारत चाइना सीमा में जब सेना का तकरार हुआ उसके बाद 3 भारतीय जवानों की मौत की खबर सामने आई और कई मीडिया संगठनों ने और पत्रकारों ने 5 चीनी सैनिकों के मारे जाने की खबर चलाई। आज तक के रोहित सरदाना और श्वेता सिंह ने दावा किया कि चीन के 5 सैनिकों की मौत और तकरीबन 11 लोग घायल हुए हैं। सरदाना ने इस जानकारी का सोर्स भी चीन के ग्लोबल टाइम्स को ही बताया। ABP न्यूज की रूबिका लियाकत और इंडिया टुडे के शिव अरोड़ ने भी इस दावे को शेयर करते हुए इसका श्रेय ग्लोबल टाइम्स के रिपोर्टर वोंग विन वैन और हु शीजिन को दिया है। जब इस खबर का भी ऑल्ट न्यूज द्वारा फैक्ट चेक किया गया तब उसमें पता चला कि चाइना के 5 सैनिक मारे जाने का दावा झूठा था। हकीकत में ग्लोबल टाइम्स के रिपोर्टर वोंग विन वैन ने ट्वीट पर पीपल लिबरेशन पार्टी के 5 सैनिकों और 11 लोगों के हताहत होने की खबर शेयर की थी। विन वैन ने इस जानकारी का स्रोत न्यूज लाइन IFE को बताया है। गौर करने वाली बात है कि न्यूज लाइन IFE एक इंडियन अकाउंट है। इसके बाद विन वैन ने दोबारा एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने इस दावे को झूठा बताया और चाइना की ओर से कोई भी स्पष्टीकरण न आने की बात कही। इसके बाद ग्लोबल टाइम्स ने बताया कि उनकी ओर से चीन के हताहत हुए सैनिकों की कोई निश्चित संख्या जारी नहीं की गई है। भारत चाइना विवाद पर विपक्ष द्वारा मोदी सरकार पर सवाल खड़े किए गए। इस आलोचना के बाद भाजपा IT सेल के प्रमुख अमित मालविया ने चीन और कांग्रेस की मिलीभगत बताते हुए गांधी परिवार की चाइनीज नेताओं के साथ 2008 की तस्वीर शेयर की और लिखा कि सोनिया गांधी एंड हर एंटायर फैमिलीज चाइना विजिट इन 2008 इज सिग्निफिकेंट। बैक देन शी और एनी ऑफ हर चिल्ड्रन वरंट होल्डिंग एनी पब्लिक ऑफिस। देन ऑन व्हाट बेसिस डिड दे एक्सेप्ट चाइनीज हॉस्पिटैलिटी। Why is the family's interest from Doklam to Ladakh above national interest? जब ऑल न्यूज ने इसका फैक्ट चेक किया तो उसमें पता चला कि 2008 में कांग्रेस के तत्कालीन जनरल सेक्रेटरी राहुल गांधी ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी की मौजूदगी में बीजिंग में चाइना के उपराष्ट्रपति के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किए थे। इंडिया टुडे में 7 अगस्त 2008 को प्रकाशित रिपोर्ट में इस समझौते के बारे में लिखा है। मालवीय का ये दावा है कि गांधी परिवार चीनी नेताओं से 2008 में मिले थे, ये सही है, लेकिन जो तस्वीर उन्होंने शेयर की वह असल में 2017 की है। रिवर्स इमेज सर्च से ऑल्ट न्यूज को पता चला कि चीनी दूतावास की वेबसाइट पर 21 अप्रैल 2017 को ये तस्वीर अपलोड की गई थी। तब कांग्रेस नेताओं ने दिल्ली में होटल ताज पैलेस पर चाइनीज फूड फेस्टिवल का आयोजन किया था। इस फेस्टिवल में भाजपा नेताओं ने भी हिस्सा लिया था जिसमें एक तस्वीर में सुरेश प्रभु भी दिख रहे हैं। तो आपने देखा कि किस तरह बिना कोई फैक्ट चेक जाने मीडिया और बीजेपी नेता झूठी खबरें फैलाते जा रहे हैं। हम यही उम्मीद करेंगे कि आपके पास भी अगर कोई ऐसी न्यूज आती है तो पहले आप उसकी अच्छी तरह से जांच करेंगे और फिर आगे शेयर करेंगे ताकि सबको सही जानकारी मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे TV। If you like this video, please like, share, subscribe.
like our channel, please subscribe. And to get notifications about news, please click the bell icon.